तो साल भर से भी अधिक समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान आज से घर वापसी करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी और दूसरी मांगों पर विचार के आश्वासन के बाद किसान अपने अपने घर लौट जाएंगे, मगर घर वापसी से पहले किसान अपने आंदोलन की जीत को लेकर विजय यात्रा निकाल रहे हैं। खुल जाएगा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से लौट जाएंगे किसान, दिल्ली से किसानों की वापसी। विजय यात्रा के साथ लौटेंगे किसान। एक साल से भी अधिक समय तक चला किसान आंदोलन आज एक अहम परिणति पर पहुंचेगा। किसान संगठनों ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है, लिहाजा कृषि कानूनों की वापसी समेत अपने कई मांगों के लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डेरा डाले किसान आज अपने घर लौट जाएंगे, मगर उससे पहले वो अपने आंदोलन की जीत का जश्न मनाएंगे। एक साल से ज्यादा सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और अब इस अंत की शुरुआत हुई है नाच गाने से। यहाँ पीछे लोग गा रहे, नाच रहे हैं, यहाँ पे झूम रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो वो करने आए थे, जो मुकाम हासिल करने आए थे, वो हासिल कर चुके हैं। घर लौटने से पहले किसान विजय यात्रा निकालेंगे। साल भर से अधिक समय तक चले अपने आंदोलन के दौरान टेंटों में रहकर उन्होंने बेहद मुश्किल मौसम का सामना किया। कोरोना की सबसे भीषण तबाही के दौरान भी वो हाईवे पर बने इन्हीं टेंटों में जमे रहे, मगर अपने संघर्ष में किसानों को स्थानीय लोगों की भी मदद मिली। लिहाजा किसान संगठनों ने ये तय किया है कि वो उन स्थानीय लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान उनकी मदद की। किसान आंदोलन की कमान संयुक्त किसान मोर्चा संभाल रहा था। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सरकार ने जब उनकी सभी मांगों पर विचार करने का लिखित भरोसा दिया तो गुरुवार को उसने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक आज से गाजीपुर बॉर्डर की एक सड़क खोल दी जाएगी, वहीं 15-16 दिसंबर तक गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह खोल दिया जाएगा और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। इसी तरह सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने अपने टेंट हटाने और सामानों को समेटने का काम पहले ही शुरू कर दिया था। आज से वो पंजाब और हरियाणा की ओर लौटना शुरू कर देंगे। रामकिंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।